नमस्कार साथियों, वाघा हॉस्पिटल के मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीत, वाघा नर्सिंग स्टाफ। आज का मेरा टॉपिक है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के बारे में जानते हैं कि होता क्या है, किन मरीजों में होता है और क्या इसका कारण होता है, क्या इसके उपचार होते हैं। आइए जानते हैं। पहले सबसे पहले ग्लूकोमा, इसको हिंदी में सवलबाई या काला मोतियाबिंद कहते हैं। इसकी मेन परिभाषा होती है जिस तरीके का आंखों में ग्लूकोमा, किसी भी जैसे आंखों में जो हमारे पानी होता है, एग्जांपल जैसे हमारे किसी भी मरीज को बीपी की दवाई अगर कोई खा रहा, बीपी का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, इसी तरीके से एक हमारा ग्लूकोमा का भी होता है जो लाइफ टाइम तक रह सकता है पेशेंट को, और जो बीपी की दवाई लॉन्ग टर्म खाते हैं उनको भी ये समस्या होने का समस्या मतलब बनी रहती है। तो सबसे पहले जानेंगे ये ग्लूकोमा में आंखों से अधिक दबाव होने के वजह से आँख को मतलब आँख में दिमाग से जोड़ने वाली जो एक होती है ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है उसकी वजह से हमारे आंखों में ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन या व्योबी मतलब ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है। तो ये हमारी आंखों का नॉर्मली प्रेशर मतलब 16 से 21 रहता है, मतलब नॉर्मल पेशेंट जो इंसान होते हैं उसमें। अगर किसी भी पेशेंट को ग्लूकोमा है तो उसके लिए 16 से 21 भी ज़्यादा प्रेशर है। तो उसके लिए जो हमारे ग्लूकोमा पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन ग्लूकोमा, सेकंड होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन ग्लूकोमा जिस तरह मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट को अगर पानी बना हुआ है अंदर से और बाहर निकल रहा है। एक होता है क्लोज एंगल, जो पानी बन रहा है पर निकल नहीं रहा है इसको, तो इसमें क्या होता है क्लोज में सर्जरी करना पड़ जाता है, और ओपन में होता है तो आई ड्रॉप से भी मतलब चीज़ें हम लोग ठीक कर सकते हैं, ग्लूकोमा थोड़ी रिकवरी ठीक रहती है। सबसे दूसरी चीज़ होती है इसके कॉज हम जानेंगे एक तरीके से किस किस पेशेंटों में हो सकता है। फर्स्ट होता है जेनेटिक, अगर किसी भी फैमिली मेंबर किसी को है ग्लूकोमा तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड होता है हाइपरटेंसिव, मतलब कोई भी मरीज बीपी की भी दवाई खा रहा है लंबे समय से तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड होता है आई ट्रॉमा, अगर कोई भी इंजरी हुई हो या एक्सीडेंट हुआ हो, आँख में चोट लगी हो, तो वो भी ग्लूकोमा का शिकार हो सकता है। फोर्थ होता है डायबिटिक डीएम, मतलब इसमें भी कोई पेशेंट अगर लॉन्ग समय तक डायबिटिक है, मेडिसिन पे है, तो उसको भी ग्लूकोमा होने का चांसेस रहते हैं। फिर लंबे समय से हेडेक ले रहा हो या एस्ट्रॉयड ले रहा हो, एस्ट्रॉयड मेडिसिन लेने से भी ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। अब मेनली इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, सबसे अगर कोई भी पेशेंट किसी तरीके इस कंप्लेंट के साथ में आता है तो आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोमा का भी पेशेंट हो सकता है। फर्स्ट है हेडेक की कंप्लेंट लेकर के आएगा, सीवियर हेडेक होगा उसको। सेकेंड में हैवीनेस, हेडेक के साथ में हैवी भारीपन भी महसूस होगा आंखों के पास में। कलर विजन, मतलब कलर को पहचानने में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक होता है कलर हैलोज, मतलब जो डायरेक्टली हमारी रोशनी होती है सात सितारों में वो बहुत डायरेक्टली सीधे आंखों में लगती है, तो वो आसानी से चीज़ें मेजर नहीं कर पाते और आगे चलने में दिक्कत होती है उसको आंखों कलर की वजह से। ये हमारे 4F होते हैं। 4F का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है कि किस किस मतलब चीज़ों में और किसको किसको हो सकता है। 4F का मतलब होता है फर्स्ट फीमेल, 40+ फीमेल, फैटी और फैमिली हिस्ट्री। ये हमारे हम लोग इसके रूल के हिसाब चलते हैं 4F के हिसाब से, किन किन में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्लूकोमा होने के। फिर आगे आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी पेशेंट को अगर इस कंप्लेंट के साथ में आता है तो हम क्या 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 इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि कैसे पहचाना जाए कि सवलबाई ही हो सकती है, आई मीन ग्लूकोमा हो सकता है। तो सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, अगर कोई भी पुरानी फैमिली के में किसी से हो सकता है तो उसको भी चांसेस हो सकते हैं कि हो। फिर दूसरा आता है टोनोमेट्री, एक टोनोमेट्री जांच होती है, इसके थ्रू भी पता कर सकते हैं कि ग्लूकोमा तो है नहीं उसके। फिर तीसरा होता है फंडस एग्जामिनेशन, स्लिट लैंप पे हम लोग पेशेंट को देखते हैं, फंडस एग्जाम करते हैं कि उसको कोई बीमारी मतलब इस तरीके से है, तो फंडस एग्जाम्स में भी पता आ जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जाँच होती है ओसीटी आरएनएफएल। ओसीटी आरएनएफएल वो जाँच होती है जो किसी भी पेशेंट को अगर ग्लूकोमा स्टार्टिंग फेज में भी है जो 10% की रेंज में भी बता देगा कि सबलबाई का पेशेंट है। फिर आगे आता है विजुअल फील्ड टेस्ट। विजुअल फील्ड टेस्ट मतलब बहुत ही वैसा जांच होती है जो 25% के ऊपर जो प्रेशर ग्लूकोमा पेशेंट होता है उसमें ज़्यादातर हम लोग कराते हैं। फिर इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गन लेजर ट्रोबेक्टोमी और सेकंड होता है लेजर एरिट्रोमी। तो ये मेनली हमारे ट्रीटमेंट जो ज़्यादा जैसे मैंने बताया आपको कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें ज़्यादा हम लोग चांसेस रखते हैं। हालांकि ग्लूकोमा पेशेंट कभी मतलब ठीक नहीं होता है, उसको लाइफ टाइम दवाइयाँ चलनी पड़ती हैं जब तक वो उसकी लाइफ है,
जिस तरीके से बीपी और शुगर की दवाएं लेता है उसी तरीके से ग्लूकोमा की दवाइयां भी उसको कंटिन्यू रखनी पड़ती है। ग्लूकोमा पेशेंटों में सबसे टाइमिंग जो मस्ट होती है उसमें देखा जाता है कि इवनिंग टाइम है। कुछ पेशेंट साथ में कंप्लेन लेके आते हैं शाम को मेरा हेडेक और मुझे ये सब पेन से प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे बड़ा इसका साइन ये होता है कि इवनिंग टाइम है। इवनिंग टाइम मतलब ये होता है 4 से 6 के बीच में वो पेशेंट कंप्लेन करता है। अच्छा होता क्यों है ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंट का इवनिंग टाइम में 4 से 6 के बीच में आँख की जो पीपल हमारी पुतलियाँ होती हैं वो फैलने लगती हैं, तो जो हमारा प्रेशर आँख का है वो उसमें बढ़ने लगता है। तो पेशेंट को ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं इस समय कि हमको हेडेक या सब आई प्रॉब्लम, तो उसमें ये हम लोग बहुत मेजर करना पड़ता है। फिर सेकंड में जो फिर आगे आते हैं इसमें दवाइयाँ क्या होते हैं, IOP मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर कम करने के लिए दो तरीके से होते हैं। एक होता है आई ड्रॉप, कुछ दो दवाइयाँ होती हैं जिससे कि हम प्रेशर कम कर सकते हैं, आँख का प्रेशर कम करने के लिए होता है जो हमारी आँखों में पानी कम बनाए। दूसरा होता है जो पानी बना हुआ है ज़्यादा बन रहा है तो उसको निकालने के लिए दवा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन फोकस होता है कि ऐसी दवाइयाँ दे जो पानी कम ही बनाए, जो पानी कम बनाएंगे तो प्रेशर कम रहेगा। ग्लूकोमा पेशेंट में सबसे जल्दी यह रहता है कि हमको जैसे 16 से 21 नॉर्मल प्रेशर होता है तो उसमें हम लोग 30% उसको दवाइयों से कम करते हैं प्रेशर। अगर 16 एग्जाम्पल मान लिया 16 है तो हम उसको 30% ऑफ प्रेशर कम करेंगे दवाइयों के हिसाब से जो पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। थैंक यू सो मच।